नमस्कार दोस्तों, आपके एग्ज़ाम्स इतने नज़दीक होने के बावजूद भी मैं वीडियो क्यों ला रहा हूं? क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए, इस बात की चाह है कि कुछ आपसे छूट ना जाए, कुछ भी इम्पॉर्टेंट आपसे छूट ना जाए। और कितना चीज़ें मैं आपको बता दूं जो चीज़ें आपके काम की हो। आइए शुरू करते हैं। जो फेमस बुक्स कंसर्न विद शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर से संबंधित जो किताबें हैं वो ध्यान में रखिएगा। ये बुक्स पूछ लेता है, कई बार हम इसको हल्के में लेते हैं और हमारे एक नंबर दो नंबर चले जाते हैं, जिससे हमारा सिलेक्शन होने से रह जाता है। और एक नंबर दो नंबर से सिलेक्शन होने का दर्द मैं जानता हूँ। 2013 में मैंने दिया था और मैं बाहर हुआ था इंटरव्यू से। आइए देखते हैं दोस्तों, द फूल्स ऑफ शेक्सपियर, ये वार्ड फ्रेडरिक की रचना है, ध्यान में रखिएगा। फूल्स ऑफ शेक्सपियर तो वार्ड फ्रेडरिक की रचना है, ध्यान में रखिएगा। फूल्स फ्रेडरिक ऐसे कोरिलेट कीजिएगा दोस्तों। मैं आपको इसमें थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स बताता चलूँगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इस समय भी आप तैयार कर सकते हैं। मैं इस ढंग से आपको बताऊँगा, फूल्स से फ्रेडरिक को जोड़िएगा। द फूल्स ऑफ शेक्सपियर बाई वार्ड फ्रेडरिक। नेक्स्ट पे आते हैं, ये 1913 में आई, 1913 में। नेक्स्ट दोस्तों, क्रिटिकल एसे शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स, शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स ये किसकी है? वाल्टर पेटर की है, ध्यान में रखिएगा। ये क्रिटिकल एसे है, शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स बाय वाल्टर पेटर, शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स। शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स बाय वाल्टर पीटर, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी बहुत फेमस है, इसकी डेट भी याद रखिएगा, 1904 में आती है। और ऑक्सफर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री, ये ध्यान में रखिएगा, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एंड ऑक्सफर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री 1909 में आती है, एसी ब्रैडले द्वारा। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ही, देखिएगा, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ठीक है, 1904 में आती है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स बाय टीएस इलियट की है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। शेक्सपियर इन क्लासरूम बाय थियोडोर ड्वाइट वेल्ड की है, शेक्सपियर इन क्लासरूम। तो ऐसे दोस्तों, इसको याद रखने के लिए क्लासरूम के आगे आप जोड़ लीजिएगा, क्लासरूम के आगे आपको ऐड कर लेना है डोर। ओके दोस्तों, क्या ऐड करेंगे आप? डोर, शेक्सपियर इन क्लासरूम डोर आप याद रखेंगे तो याद रहेगा थियोडोर ड्वाइट वेल्ड। ओके, थियोडोर डोर, शेक्सपियर इन क्लासरूम डोर अपने से समझ के चलिएगा तो थियोडोर याद रहेगा, थियोडोर ड्वाइट वेल्ड। ओके दोस्तों, शेक्सपियर इन क्लासरूम हम डोर अपने से जोड़ लिए तो इधर राइटर का नाम हमें नहीं बोलेगा, थियोडोर। ओके, या डोर से रिलेटेड कोई राइटर है वहाँ भी आप देखेंगे तो आपको ये भी अगर दिमाग में आ गया, ऑप्शन में आ गया, तो आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, हाउ मैनी चिल्ड्रेन हैड लेडी मैकबेथ। इसमें भी दोस्तों, हाउ मैनी चिल्ड्रेन हैड लेडी मैकबेथ के आगे आपको क्या जोड़ लेना है? एट नाइट, क्या जोड़ेंगे आप? एट नाइट, हाउ मैनी चिल्ड्रेन हैड लेडी मैकबेथ एट नाइट। ओके, ये एलसी नाइट का है, आप ये कि लेडी मैकबेथ को कितने बच्चे हुए रात में, ऐसे आपको जोड़ लेना है, हाउ मैनी चिल्ड्रेन हैड लेडी मैकबेथ एट नाइट। तो इससे क्या होगा, एलसी नाइट आपको याद रहेगा कि किसी नाइट की रचना है, एलसी नाइट की रचना है। ओके दोस्तों, इस तरह थोड़ा आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, आप देखिए दोस्तों, इसमें भी थोड़ी सी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं। मैकबेथ जैसे कोई नॉक करेगा, सपोज कीजिए एक बच्चा नॉक कर रहा है, और नॉक करके वो कैसी आवाज निकाल रहा है? कू की आवाज निकाल रहा है। ओके, कू की आवाज निकाल रहा है वो नॉक करके। 1823 में आई, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, गेट पर कोई बच्चा, ऐसे ही कल्पना कीजिए, नाक रहा है, नॉक कर रहा है और कू की आवाज निकाल रहा है, थॉमस डी क्विन से, कू क्विन से। ये कल्पना करनी पड़ेगी आपको, याद करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ता है। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, तो कोई बच्चा या कोई नॉक कर रहा है मैकबेथ के गेट पे, वो नॉक करके कू की आवाज कर रहा है, थॉमस डी क्विन से, क्विन से, कू से, क्विन से। नेक्स्ट,
टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, स्टडी ऑफ हैमलेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड टाइम इज फ्री अ स्टडी बाई टाइम इज फ्री अ स्टडी ऑफ मैकबेथ बाई रॉय वॉकर की रचनाएं हैं, ये ध्यान में रखिएगा। टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट स्टडी ऑफ हैमलेट है, आउट ऑफ जॉइंट जहाँ आएगा, टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट स्टडी ऑफ हैमलेट है, टाइम इज फ्री स्टडी ऑफ मैकबेथ है रॉय वॉकर की रचनाएं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अ शॉर्ट बायोग्राफी इन टाइटल सम अकाउंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर निकोलस राव की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1709 में आती है, यहाँ मैं लिखना भूल गया था शायद, 1709 1709 में आती है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट भी पूछ सकता है। ओके, और शॉर्ट बायोग्राफी एंटाइटल, ये आप ध्यान रखिएगा कि शेक्सपियर पे पहली बायोग्राफी लिखने का दावा इन्होंने ही किया था, निकोलस रॉ ने। ओके, 1709 में आती है। नेक्स्ट, द व्हील ऑफ फायर इंटरप्रेशंस ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1930 में आती है, वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ब्रैडले वाली अलग है जो 1904 में आती है, ध्यान में रखिएगा। द व्हील ऑफ फायर के अंतर्गत इंटरप्रेशंस ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी 1930 में आती है, इंपीरियल थीम शेक्सपियरियन टेम्पेस क्राउन ऑफ लाइफ शेक्सपियर एंड टॉलस्टॉय, ये लिखी गई है, ये सब रिचर्ड विल्सन नाइट द्वारा, वहाँ पे एक रचना थी एल्सी नाइट वाली रचना कौन थी दोस्तों, एल्सी नाइट वाली हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ एट नाइट, मैंने अपने से जोड़ लिया था, एल्सी नाइट की रचना थी, लेकिन यहाँ पे बस जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट की ये रचनाएँ हैं। कौन कौन सी रचनाएँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएँ हैं, मैंने शामिल की, वैसे उन्होंने रचनाएँ तो बहुत लिखी हैं, द व्हील ऑफ फायर नाम से लिखी है, ये भी पूछ सकता है कि व्हील ऑफ फायर इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ये इस नाम से इस टाइटल से किसने लिखा है, तब भी आपको क्या लिखना है, जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट। ओके, ये ध्यान में रखिएगा कि रिचर्ड व्हील ऑफ फायर उसी, तो रिचर्ड का नाम रिचर्ड से आप याद रहेगा कि जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट, रिचर्ड व्हील ऑफ फायर ऐसे याद रखिएगा। ओके, इंपीरियल थीम है इनकी, उसके अंतर्गत इंटरप्रिटेशंस ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ये इसके अंतर्गत ये फिर किताबें, मतलब ये टॉपिक्स आते हैं। ओके, इंटरप्रिटेशंस ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1930, द व्हील ऑफ फायर नाम से आई, व्हील ऑफ फायर डब्ल्यू फॉर व्हील डब्ल्यू फॉर विल्सन, लेकिन रिचर्ड इस इनके नाम में लगा क्या है, जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपीरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट, द क्राउन ऑफ लाइफ, और क्या है, शेक्सपियर एंड टॉलस्टॉय बाय जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट, ये ध्यान में रखिएगा। ये देखिए पूरी स्क्रीन पे देख लीजिए, नेक्स्ट, शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948, एचबी चार्लटन की है। ओके, एचबी चार्लटन की है, ये ध्यान में रखिएगा, ये 1938 में आती है शेक्सपियरियन कॉमेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948 में आती है, ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वो उस ऐसी ब्रैडले वाली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी से अलग है। अगर ये पूछता है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ब्रैकेट में देता है 1948 किसके द्वारा लिखी गई, तब आपको एच बी चार्लटन टिक करना है। अगर ये पूछता है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 किसके द्वारा लिखी गई, तो ऐसी ब्रैडले आपको टिक करना है। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स वर्ल्ड ऑफ इमेजेस द डेवलपमेंट ऑफ हिज मॉरल आइडियाज़, ये डोनाल्ड अल्फ्रेड स्टाउफर की रचना है, शेक्सपियर्स वर्ल्ड ऑफ इमेजेस द डेवलपमेंट ऑफ हिज मॉरल आइडियाज़ बाई डोनाल्ड अल्फ्रेड स्टाउफर, शेक्सपियर्स वर्ल्ड ऑफ इमेजेस द डेवलपमेंट ऑफ हिज मॉरल आइडियाज़। ओके, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, और इसमें कई फेमस चैप्टर हैं, जो शेक्सपियर्स वर्ड ऑफ इमेजेस में कई फेमस चैप्टर हैं, उनका नाम नीचे दिया गया है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, द कॉमेडी, द कंट्री माउस, द स्कूल ऑफ लव, रोमियो एंड जूलियट, फिर उसके बाद द गार्डन ऑफ ईडन, अनवीडेड गार्डन, द डार्क टावर, रोड टू फ्रीडम। ओके दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा अभी दोस्तों, यहीं तक। ओके, पहले इतना आप तैयार कर लें, उसके बाद मैं जो भी इम्पॉर्टेंट होगा सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण आपके लिए लेके आऊँगा। कहीं भी ये उद्देश्य नहीं है कि आपका टाइम मैं वेस्ट करूँ, बस ये है कि मुझसे रहा नहीं जाता कि कहीं कुछ आपसे छूट ना जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच, विश यू लक।